गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स भौतिक का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम भौतिक यानी कि साइंस में फिजिक्स का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में आप बने रहें ताकि रोज की अपलोड वीडियो आप जरूर स्वयं देखें। आइए दोस्तों मैं सवाल नंबर 1 आपको पढ़कर दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपके लिए काफी घेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों क्या पता आपके एग्जाम में कौन सा सवाल पूछ दे। दोस्तों तो मैं हर एक सवाल को गेस करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आप जरूर उसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा सवाल क्या कह रहा, उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं क्यों। उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं क्यों। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर किस तरह से देखना है वीडियो को अच्छे से देखे। दोस्तों देखिए उत्तल लेंस को अपने से होकर जाने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। उत्तल लेंस को अपने से होकर जो सभी किरणें जो जाती है वो एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम आभासी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहते हैं ये आप जान गए हैं। अगर आपके मैट्रिक परीक्षा में उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहते हैं और इसके बारे में अगर आपका सवाल पूछ दिया जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये सवाल जरूर छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों इसे जरूर लिख दीजिएगा। अगर दो लाइन भी लिखे दोस्तों तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन दिमाग से लिखना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गाइज नेक्स्ट सवाल देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। दोस्तों मैं पहला सवाल में कवर किया गया था कि उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं क्यों, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और हमारा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये दोनों के बारे में एक सवाल आपके मैट्रिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे और दोनों को याद करके जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उत्तल पूछे या अवतल लेंस पूछे। देखिए दोस्तों आपको मैं अवतल लेंस को आपको सिद्ध करके बताता हूँ यानी कि हल करके बताता हूँ ये सवाल को। देखिए उत्तर आपको क्या देना है। देखिए गाइस अवतल लेंस को अपने से होकर यानी कि अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाली सभी किरणों को अपसरित करता है यानी कि फैला देता है, अपसरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस भी आपका होता था कि अभिसरित एक बिंदु पर आके मिल जाता था, रुक जाता था, वहां पर जमा हो जाता था, लेकिन आपका यहाँ पर अवतल लेंस को बोल रहा है कि अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाली सभी किरणों को अपसरित कर लेता है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं यानी कि अपसारी लेंस कहेंगे। तो दोस्तों आप अवतल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में समझ चुके हैं। तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव की सवाल तरफ लेके चलता हूं। तो आपका सवाल कह रहा है प्रिज्म किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और काफी आपके मैट्रिक परीक्षा में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों क्या पता आपके एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाएंगे या जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सवाल को मिस नहीं करेंगे दोस्तों, जरूर याद करके जाएंगे। प्रिज्म किसे कहते हैं, उत्तर में आपको क्या देना है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दोस्तों किसी कोण पर झुके, एक कोण है यहाँ पर बोला किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच यानी कि दो समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों प्रिज्म किसे कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहते हैं। तो ये तीन सवाल आपके मैट्रिक परीक्षा लिए काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो मैं तीन सवाल को एक ही वीडियो में कवर कर चुका हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों दिल से इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों और दिल से इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और हो सके तो हमारे चैनल में बने रहें। तो चैनल में बनने के लिए हमारे दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों एक रेड कलर का बटन आएगा दोस्तों, उसको दबाने के बाद आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे यही गिनती करूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दोस्तों जो आप जनवरी से लेकर सितंबर जो
सितंबर तक पढ़ाई किए हैं दोस्तों, उतने देर तक यानी कि सितंबर कई महीनों तक आपने क्या पढ़ा दोस्तों, मैं आपको चेक करना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि कल आपका रविवार है यानी कि संडे है, तो दोस्तों अगर आप संडे टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल में आप बने रहें। हमारे चैनल में बनने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा टेस्ट की वीडियो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और संडे टेस्ट मत छोड़ो ना दोस्तों, जल्दी जल्दी लाइक कर दे वीडियो को और दोस्तों के पास शेयर कर दे दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल की आपको सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, हो सकेगा दोस्तों तो मैं लाइव भी टेस्ट करा सकूंगा दोस्तों, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट उतना नहीं है दोस्तों, जब मैं लाइव पढ़ाऊं तो उतने स्टूडेंट नहीं जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप ही लोग की विनती है दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों और उस स्टूडेंट को इस वीडियो को देखने के लिए बोलिए दोस्तों, और वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक मेरे कहे गए बातों को फॉलो करिए दोस्तों, मैं भी आपके जो भी बोलोगे दोस्तों मैं वो वीडियो अपलोड कर जरूर दूंगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।